सेकंड क्लास की मैथ में हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 में आपका नंबर्स फ्रॉम 11 टू 40, यानी हमने जो पहला वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने वंस टेंस का पढ़ा था, हाउ मेनी वंस, मेनी वंस के बारे में। दूसरा चैप्टर हमने टेंस से 100 में पढ़ा था। अब हम एक तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे 11 टू 40। तो इसमें क्या है आपका वन टेंस, यानी इसमें क्या है, इसको बोलेंगे हम टेंस, यानी इसके अंदर 10 है, 10 ग्राफ्स हैं, तो इसको हम टेंस बोलेंगे। और 1, 2, 3 यानी ये वंस, यानी अलग अलग हैं। तो ये इसमें क्या लिखा है, 1, 10 एंड 3 वंस, यानी 10 है ये और 3 अलग से, तो क्या बन गया ये 13। इसी प्रकार ये देखिए आपका कैसा है, 1, 2, 3 यानी ये 30 हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 टेंस, क्या लिखेंगे हम, 30 टेंस और प्लस 2 यानी 2 वंस है ये, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 वंस। तो ये क्या हो गया, 30 प्लस 2, तो क्या हो गया, 32 हो गया ना। जैसे देखो 10 प्लस 3 लिखा था, यानी 10 प्लस 3 तो 13 हो गया था, ऐसे ये 30 प्लस 2 तो 32 हो गया। अब यहाँ बताएंगे आप क्या आएगा, यहाँ पे 10 20 हो गया, तो 20 टेंस आएगा, क्या आएगा यहाँ, 20 टेंस प्लस 1, 2, 3, 4 यानी 4 वंस, तो ये 24 हो गया, 20 प्लस 4 24। इसी प्रकार 1 10 20 30, तो ये आ जाएगा 30 टेंस एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वंस, तो 38 हो गया, 30 प्लस 8 38 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा है 12 में हम कैसे लिखेंगे इसको, हम जैसे 10 था ये 12, तो ये 10 यहाँ आ जाएगा, 10 एंड 2 यानी अलग से 2 दिया, 2 तो 10 एंड 2 तो 12 हो गया। अब यहाँ बताइए 21 है, तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे बताइए, यस 21, ठीक है, ये आप अपने आप कर लेंगे, बाकी कर लेंगे 24 यानी 20 एंड 4। अब यहाँ क्या करना है, 31 30 प्लस 1 39 30 प्लस 9, तो 39 हो गया। अब ये देखिए 10 एंड 6 यानी 10 एंड 6 कितना आएगा, 16, तो हम क्या लिखेंगे, 10 एंड 6 इज, बताइए 10 एंड 6 16, तो हम यहाँ लिख देंगे 16, 10 प्लस 7 17, 20 प्लस 5 25 25, 30 प्लस 5 30 THIR TY 35, ठीक है ना, इसी प्रकार लिखना है। अब ये देखिए मैं इसको सिर्फ आपको एक बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे, 110 एंड 2 वंस, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये देखिए कैसे लिखा है ये, तो इसको आपको ऐसे ही लिखना है, 10 प्लस 2 इक्वल है 12, 2 टेंस यानी 20 टेंस एंड 3 वंस, तो 20 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा, 23, तो ये आप अपने आप खुद करेंगे। 3 टेंस लिखा है तो हम यहाँ 30 टेंस लिखेंगे, 30 प्लस 4 तो 34 आ जाएगा, ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे, इसको मैं नहीं करूँगी, आप खुद करेंगे इसको अपने आप, ये आपका होमवर्क है। आपका 4th चैप्टर है, आप देखिए नंबर्स फ्रॉम 41 टू 70, यानी 41 से 70 तक करना है। अभी हमने पीछे कहाँ तक करा था, देखें हमने पीछे कहाँ तक करा था, 11 से 40 तक, अब हम 41 से 70 तक करेंगे, वो भी ऐसे ही है। पहले हम इसको समझेंगे क्या है इसमें, 4 टेंस यानी 4 टेंस प्लस 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया, 40 प्लस 7, जैसे पीछे था वही चैप्टर है, बिल्कुल वही है, बस काउंटिंग का फ़र्क है इसमें, बाकी सब 5 टेंस प्लस 2 वंस, तो 50 प्लस 2 52, 6 टेंस यानी 60 प्लस 8 68 हो गया। ये देखेंगे ये वाला आप खुद करेंगे, इसमें जो भी कुछ करना है वो मैंने आपको बता दिया था, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, 50
मैं एक एक सवाल बता दे रही हूँ, बाकी आप खुद करना। 50 and 6 is 56, इसमें आ जाएगा आपका 56, ठीक है। ये आपका 44, 69, 57, ये मैंने बता दिया, आप स्पेलिंग लिख लेना। अभी 66 लिखा है, यानी 60 and 6, 66 हो गया ना। तो बाकी आप ये खुद कर लेंगे अपने आप, ये भी आपका होमवर्क है। जो जो मैं आपको बोल रही हूँ आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क है। ये है आपका 410 + 1, 1 सा कितना हो जाएगा 40 + 1, 40 + 1 कितना हो जाएगा 41, ठीक है। 4 times 3 तो कितना हो जाएगा 40 + 3 = 43, आप अपने आप करेंगे इसको, ठीक है। अभी देखिए, अब 71 से 100 तक है, वही चीज़ें बिल्कुल सेम, इसमें हमें कुछ भी नहीं समझना, आप सब चीज़ समझी समझाई है। 7 times and 2, 2 ones हो गया तो 72। 8 times यानी ये 80 हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो ये 80 times and 5 ones तो 85। 99 है, 9 + 9, 99। ये भी देखिए बिल्कुल वैसे ही है, 76 तो 70 and 6, तो ये 76 हो गया। इसी प्रकार ये कर लेना आप। अब ये 70 and 8 is कितना जाएगा 78। मैं एक एक सवाल कर रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे अपने आप। मैथ की कॉपी में, मैथ की कॉपी है उसमें आप खुद करेंगे अपने आप। चैप्टर आपका 5, 6 हो गए हैं। अब ये देखिए आपका क्या है, 8 times and 2 ones, तो 8 times कितना हो जाएगा हमारा 80 + 2 = 80। 6 times 60 + 8 कितना हो जाएगा 68। आप खुद कर लेंगे, बाकी आपका खुद का है, ये आपका काम, खुद आपका होमवर्क है, ये आपका खुद करना है मैथ की कॉपी में।